हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेडी टिप्स में। आज मैं आपके साथ खास्ता नमक पारे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो एक ही गुथे आटे से दो प्रकार के नमक पारे बनाने के लिए बताऊंगी। ये स्पेशल स्नैक्स काफ़ी लाइट और क्रिस्पी बनता है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा का इस्तेमाल किया है। आप अपने परिवार के अनुसार मैदे ले लें। और इसमें मैं डाली नमक, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को आप ऐसे क्रश कर कर डालें। फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ मंगरेला या कलौंजी। फिर इस सब को मिक्स कर दें। और इसमें फिर मैं डाल रही हूँ रिफाइन ऑयल, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इस सब को मिक्स कर दें। आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। देखिए इस प्रकार हल्के गुठले होते हैं ना, उसे फोड़ लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी और इसे हल्का सॉफ्ट गूँथें, ज़्यादा हार्ड ना गूँथें। देखिए हल्के हल्के पानी का इस्तेमाल करते हुए इसे सॉफ्ट गूँथें। देखिए मेरी आटा गूँथ चुकी है। देखिए ये सॉफ्ट गूँथें हैं ना। अब मैं इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ। देखिए इसे गोले से लोइयाँ बना लें और इसे पेड़े टाइप पचका लें। ऐसे इसका पेड़े साइप शेप दे दें। अब मैं इसे बेल लेती हूँ। देखिए इसे धीरे धीरे गोल शेप में इसे बेलें और इसे पतला ही बेलें, ज़्यादा मोटा ना बेलें। पतला बेलने से निमकियाँ ज़्यादा फूलती हैं। इसे बीच से कट कर दें और इसे लंबे इस प्रकार शेप में काट लें। ये मार्केट में जो लंबे लंबे निमकी पारे मिलते हैं ना, वैसे ही बनेंगे। देखिए इसे अब एक थाल में मैं उठा लेती हूँ। देखिए इस प्रकार आप इसे थाल में निकाल लें। अब मैं यहाँ एक और लोया ले रही हूँ और इसे भी मैं देखिए पतला गोल शेप में ही बेलूँगी। देखिए कि इतनी पतले नहीं और इससे पतला। देखिए बन गए ना दम पतले। और इसे मैं देखिए वहाँ कोने से ऐसे लंबे लंबे पहले कट करूँगी और फिर वहीं से मैं देखिए इस टाइप ट्रायंगल शेप में इसे काट रही हूँ। यह एकदम फुली फुली छोटी निमकी बनकर रेडी होगी। एक ही आटे से बने ना दो प्रकार के निमकी, ये बच्चों को दोनों ही बहुत ही पसंद आएंगे। आप भी शाम को चाय में आप इसे खा सकते हैं। दिवाली टाइम तो ये निमकी पारे ज़रूर बनते हैं, तो आप एक बार ज़रूर बना और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके निमकी पारे कैसे बने। देखिए इसे मैं सब एक प्लेट में उठा लेती हूँ। अब मैं इसे तलने के लिए एक कढ़ाई को ऑन करती हूँ और इसे मैं डालती हूँ रिफाइन ऑयल। देखिए तेल चेक करने के लिए आप एक ऐसे निमकी पारे को डालोगे। देखिए खिलने लगा, इसके मतलब कि तेल गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें निमकी पारे को डाल रही हूँ। आप इसे अलग अलग करके ना डालें, एक ही साथ डालें, ये अलग अलग तेल में ही हो जाते हैं। और इसे चलाते रहें। हल्की देखिए इस प्रकार चलाते रहें, इसे ज़्यादा देर तक ना छोड़ें। देखिए और इसे गोल्डन होने तक ही तलें। देखिए लगभग गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब मैं सेकंड निमकी पारे को डाल रही हूँ तेल में। इसे भी आप अलग करके ना डालें, ऐसे ही डालें। देखिए तेल में जाएगा ना तो ये अलग अलग हो जाएंगे, एकदम फूल जाएंगे। देखिए इसे चलाते रहें और गोल्डन होने तक इसे भी तल लें। देखिए यह गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। देखिए एकदम खास्ते बनेंगे। देखिए इसे मैं सबको एक पतीले में निकाल लेती हूँ। आप ऐसे बनाओगे ना तो ये काफ़ी लाइट और क्रिस्पी बनेगा। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर देती हूँ।
आपको ये नीम की पारे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही नीम की पारे खाते रहें।